मेरा नाम है सुहासी धामी, 28 अप्रैल। स्कूलिंग पहले मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी और फिर फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैंने मेरी मैकलेट में स्कूलिंग की, ए बी पॉजिटिव। फर्स्ट इनकम वॉज मैं एक मेरी डांस टीचर के साथ परफॉर्म कर रही थी, तो आई थिंक इट वॉज 200 रुपीज़ और 250 रुपीज़। तो आपने उस फर्स्ट इनकम का क्या किया था, कैसे स्पेंड किया था उसको? फर्स्ट इनकम जो 250 रुपीज़ में तो कुछ आया नहीं था, आई थिंक मेरा आने जाने में ही खर्चा निकल गया था। बट जब मुझे एक अच्छा सा अमाउंट मिला था तब ऑफकोर्स लाइक एवरीबडी, मम्मी पापा दादी के लिए मैंने ख़रीदा था। क्रिस हेम्सवर्थ ये मेरा फेवरेट एक्टर है, बाकी तो इंडियन मतलब बॉलीवुड में तो जो अच्छी एक्टिंग करता है फिर वो फेवरेट हो जाता है, बट ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित। अखियों के झरोकों से एक बहुत पुराना गाना है, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग। दो लाइन आप गुनगुनाना? नहीं, ये स्लैम बुक में नहीं है। नहीं, ये गाना मैं गा नहीं पाऊंगी, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग बट इट्स माई फेवरेट। फेवरेट मूवी पड़ोसन, नॉट दिस वन, पुरानी वाली, संजय सुनील दत्त एंड किशोर कुमार वाली, लिव एंड लेट लिव। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई डिडंट नो व्हाट आई वॉज गेटिंग इनटू। नहीं नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने तो वो विदाई भी नहीं रखी थी, ना मैं रोई थी शादी में। मम्मी बेचारी मेरी, जब मैं जा रही थी गाड़ी में कोई नहीं था, बस मम्मी आई दौड़ी दौड़ी की, अरे सुहासी मुझे एक हक तो कर दे, थोड़ा रो तो ले। मैंने बोला रोना वोना कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ बस। ओके, शादी के बाद का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब जब आप सिंगल थी फिर शादी के बाद क्या चेंजेस हैं? आई हैव फॉरगॉटन, इट्स बीन 12 इयर्स नाउ, मुझे तो याद ही नहीं है। जब मैं कभी किसी को देखती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है तो मुझे तो कुछ कुछ याद आता है कि अरे शादी से पहले अच्छा घर जाने की जल्दी नहीं होती थी या होती थी, मम्मी को फ़ोन करके मैं कुछ बोलती थी नहीं बोलती थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग नाउ इज़ वेरी गुड, इट्स द बेस्ट। बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज़ माई सन कबीर, वीकनेस इज़ कबीर, इज़ कबीर। थैंक यू सो मच, हमारा शो अभी ऑफ एयर जा रहा है एंड ये मेरा आई थिंक चौथा शो है एंड आई एम सो हैप्पी कि अब तक मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ इस तरीके से या टीवी पर आके, या तो आई रियली होप कि आपने ये शो एंजॉय किया है एंड आई रियली होप दैट आई गेट टू एंटरटेन यू मोर। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा इमोशनल दौर है ये शो, ऑल ऑफ अ सडन ऑफ एयर जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन नहीं है, ये जाने ही वाला था, ये तो हमें बोनस मिल गया थोड़ा। ये फैंस भी, मतलब एक आपको गिफ्ट भी आया है आज सेट पे, फ्लावर्स आ रहे हैं, लोगों के प्यार बहुत आ रहे हैं, तो उनके लिए खास क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने हर बार की तरह इस शो को भी सराहा। ये शो 1.5 साल चला, विच आई एम वेरी हैप्पी विथ, क्योंकि एक शो की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, कभी कभी लगता है कि उससे ज़्यादा अगर हम करने लगते हैं तो वी स्टार्ट गेटिंग बोर्ड या ऑडियंस स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। कभी कभी एक कैरेक्टर को बहुत लंबा जी के भी हमें समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें, इट बिकम सो मंडेन। तो मुझे लगता है दिस इज़ परफेक्ट एंड इट इज़ गुड, हम लोग को अच्छी कंपनी भी मिल गई, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। एंड छोटी सी इंडस्ट्री है, बार बार मिलना तो होता ही, जैसे आपसे बार बार मिलते हैं वैसे सबसे बार बार मिलना होगा ही। थैंक यू सो मच।